श्री वेंकटेशा गोविंदा भक्त वत्सला गोविंदा भाग्य शीतला गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंद श्रीनिवास गोविंदा श्री वेंकटेशा गोविंदा भक्त वत्सला गोविंदा भाग्य शीतला गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंद। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्निग्धस डायरी। अभी मैं आके हूँ वेंकटेश्वर टेम्पल में। आप यहाँ की भीड़ देख सकते हो, इतना लॉन्ग क्यू लगा है। कम से कम आपको भगवान के दर्शन करने के 2 से 3 घंटे लग जाएगी। टाइम हो रही 10:30, 1 घंटा लगा हम लोग को दर्शन करने के लिए, इतना ज़्यादा भीड़ है। आज है वैकुंठ एकादशी एंड आप सबको वैकुंठ एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग साउथ साइड है, वैकुंठ एकादशी को बहुत अच्छे से मनाते हैं कि वैकुंठ एकादशी के दिन में भगवान विष्णु की पूजा किया जाता है एंड जो जन्म मृत्यु की क्रिया होती है ना, उसमें आपको मुक्त मिलता है। बट पता नहीं ऐसा क्या है, सच है नहीं, बट यहाँ की भीड़ को देख के तो आपको लग रहा होगा ना कि देखिए कितना लोग नाइट 1 o'clock से यहाँ पे लंग, मतलब इतना लॉन्ग लाइन था। अभी तक भी लाइन क्लियर नहीं हो पाया, इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। यहाँ के लोग को देख लग रहा होगा, आप लोग देखिए, दिल में एक आस्था रहती है ना भगवान प्रति, टाइम कोई देखा नहीं जाता है। मेरे सास नाइट 1 o'clock को उठ के रेडियो के 3 बजे टेम्पल आके घर जाके फिर से अभी आके भागवत पढ़ रहे, तो उनकी एज 63 है। अगर ये एज में उन्होंने कर पा रहे तो हम लोग को क्या बताइए। एंड इतना अच्छा लग रहा है, मेरे हाथ में आप देख सकते हैं प्रसाद, मैंने प्रसाद खाई भी नहीं हूँ। मैं सोची पहले आप लोग से बात करती हूँ, आप लोग की इधर की नज़रिया दिखाते हूँ, कितना भीड़ है यहाँ पर। और दर्शन करके इतना भीड़ लगा है अंदर में, और सबके लिए प्रसाद सेवन की व्यवस्था भी किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब ये हमारी इस तरह से यहाँ बनाए जाते हैं। आज आप लोग कैसे बनाते हैं वैकुंठ एकादशी को, आप लोग बिल्कुल बताइए। यहाँ पे देखिए टटई है, आपको ये टेम्पल में बहुत सारे टटईस मिलेगी, बहुत सारी, कम से कम 10 और 12 से बहुत बड़े बड़े भी, छोटे छोटे भी है। मैं 7-8 साल से देख रही हूँ आपको यहाँ पर। एंड वैकुंठ एकादशी में मनाते हैं कि लोग थोड़ा दूध दही, जो लोग भगवान के लिए निष्ठा रखते, मतलब वो एक महीना की मानसिक रखते हैं ना कि हमको इस महीना करना है धनुर्मास को, वो लोग छोड़ देते हैं। एंड ये महीना में धनुर्मास में वो लोग बिल्कुल दूध दही कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ लोग रहते हैं। एंड अगर आपके पास जो प्रसाद है दिल से आपको भगवान को चढ़ाना चाहते हो चढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको स्पेशल ऐसा कुछ करके भगवान को चढ़ाना है, कुछ खास है ऐसा कुछ नहीं। जो आपके दिल में श्रद्धा से आप भगवान को, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, उसमें जो चढ़ाना चढ़ा सकते हो। टेम्पल में भीड़ को देख के लग रहा होगा कि लोगों के दिल में कितना है और कितना निष्ठा, सुबह 3 बजे से आकर यहाँ लाइन में क्यू में खड़े हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा इस तरह की मुझे। పెట్టుకుంటారు పెట్టకూడదమ్మా
పెట్టుకోవాలి శ్రీ భగవాడు స్వానంద శోచస్తం ప్రజ్ఞావాదాం చ వాషసే గతాశూర్ణ గతాశూర్ణానాను శోచంతి పండితః నత్వేవాహం నజ్జామునా आप लोग देख सकते हो कितना लॉन्ग क्यू है यहाँ पर। कम से कम इन लोगों को दर्शन करने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाएगी, लेकिन हमारे तो दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे से हो गया है। ठीक टाइम पर ही थोड़ा वहाँ पर ब्रेक हो गई, जहाँ पर हमको भगवान को दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिला। बोलते हैं ना कि अगर दिल में आपकी आस्था है आपको सब कुछ मिल जाएगी, ना अच्छे से हो जाएगी। हमें सोचा भी नहीं था इतना जल्दी दर्शन हो जाएगी। बहुत ही अच्छा लगा आज दर्शन करके।